नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के क्लास में हम भारत की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या मतलब निर्धनता गरीबी पे बात करने वाले हैं। भारत में किस तरह की गरीबी पाई जाती है, गरीबी को कैसे आंका जाता है, कैसे मापा जाता है और इनसे जुड़ी जितनी भी समितियाँ उन पर हम रियल स्तर पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी क्वेश्चन जो है हमेशा आते ही हैं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो आप देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अब अनअकैडमी ऐप पर भी आ गया हूं, तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और अजय साहू टाइप करके मुझे फॉलो कर लीजिए। ये रहा मेरे लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर आपको सारे विषयों पर जो है वीडियोस मिलेंगे, कोर्सेस मिलेंगे और मैं भी फ्यूचर में, भविष्य में बहुत सारे इसमें अच्छे से टॉपिक लाने वाले हूँ। अब बात करते हैं निर्धनता गरीबी वास्तव में क्या होता है, ये पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो गरीबी एक आर्थिक समस्या है, गरीबी एक आर्थिक समस्या है। यह वह स्थिति है जब प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम इतनी कम हो जाती है कि व्यक्ति अपनी आधारभूत ज़रूरतों को भी पूरा न कर पाए, ठीक है। आधारभूत ज़रूरतें जैसे रोटी कपड़ा मकान की अपनी जो है पूर्ति ना कर पाए, उसे गरीबी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत मतलब कहीं भी हो, अगर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा भी ना हो कि वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके, तो उसको गरीबी कहते हैं। एकदम सिंपल फॉर्म में अगर इसको समझा जाए तो, ठीक है। अब गरीबी के प्रकार देखते हैं, तो दो प्रकार की गरीबी होती है, एक निरपेक्ष गरीबी, दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी मतलब एब्सोल्यूट पुअर्टी और सापेक्ष मतलब रिलेटिव पुअर्टी। सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होता है। तो दोस्तों, जो निरपेक्ष गरीबी होती है वही वास्तविक गरीबी होती है, ठीक है। और इसी आधार पे हम जो गरीबी रेखा निर्धारित करते हैं। सापेक्ष गरीबी क्या होता है हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। एक्चुअल सापेक्ष गरीबी जो होता है, नाम से स्पष्ट है, रिलेटिव पुअर्टी मतलब किसी और से तुलना करके वो चीज़ देखते हैं कि उसके तुलना हम कितने गरीब हैं। अभी बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी पे। तो निरपेक्ष गरीबी वह है जहां आधारभूत ज़रूरतें जैसे रोटी कपड़ा मकान पूरी ना हो सके, ठीक है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड तय करते हैं और इस आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है ये कि हम एक पैमाना तय करते हैं कि इतने लोगों के पास कम से कम ये चीज़ें हों, इतना खर्च कर पाए, इतना खा पी पाए, एक मापदंड सिंपल से तैयार करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग उसको उस मापदंड को पार कर पाते हैं और कितने लोग उतना नहीं कर पाते या उससे नीचे हैं। तो जो उनसे नीचे होते हैं वही गरीब हैं और वही जो है गरीबी रेखा उसको बोला जाता है बिलो पुअर्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ हम गरीबी रेखा बिलो पुअर्टी लाइन तय करते हैं निरपेक्ष गरीबी के मापन की विधि को हेड काउंट मेथड या सर गिनने की विधि कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है। भारत में गरीबी रेखा तय करने की दो विधियां हैं। पहला है कैलोरी अंतर्ग्रहण, ठीक है, ये कैलोरी है, सुधार लीजिएगा। पहला है कैलोरी अंतर्ग्रहण और दूसरा है न्यूनतम उपभोग व्यय। तो ये दो विधियां हैं। सबसे पहले देखते हैं कैलोरी अंतर्ग्रहण। तो बहुत सिंपल है, कैलोरी क्या होता है, पोषण आहार का जो आधार है, ठीक है। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण पहले पोषण के आधार पर होता था और पोषण का आधार जो है पहले कैलोरी लिया जाता था, ठीक है। तो कैलोरी के हिसाब से यहाँ पे वही बात किया गया है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन उपलब्ध होना चाहिए, इस आधार पर ये जो है गरीबी रेखा तय किया जाने लगा। तो ये है कैलोरी अंतर्ग्रहण विधि, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं इनसे जुड़ी समिति। तो जो एक लकड़ वाला समिति थी वो कैलोरी अंतर्ग्रहण विधि की सबसे पहली समिति थी और इन्होंने क्या कहा कि गांव में अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ये आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी, यदि इससे कम किसी को प्राप्त होता है, याद रखिए प्रतिदिन में है ना, तो प्रतिदिन इससे कम अगर प्राप्त होता है तो वह गरीब माना जाता है इस समिति के अनुशंसा के हिसाब से, ठीक है। तो 1989 में यह समिति बनी थी और 1993 में अपनी पहली रिपोर्ट ये पेश की थी। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, तो इतना भोजन वो कोई भी हो, चाहे रोटी दाल चावल कुछ भी ये खाए, इतना कैलोरी लेने के लिए
कुछ तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो किस आधार पे देखते थे, तो गांव के लिए ये देखते थे कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, और शहर के लिए देखते थे औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, ठीक है। तो इस आधार पर पोषण के कैलोरी में मतलब कितना पैसा लगेगा इसका आकलन किया जाता था, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो आई कि उस समय तो GST नहीं था, ठीक है, तो अलग अलग राज्य में कीमतें अलग अलग भी होती थी, ठीक है, तो अलग अलग राज्य में कीमतें अलग अलग होती थी, जिस कारण क्या हुआ सभी जगह जो है इनका जैसे 2400 कैलोरी पूरी करने के लिए जो खाना का जो अपन हम लेंगे तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसे पैसे के हिसाब से वो पूरा होता था। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि कुल 32 गरीबी रेखा बनेंगी, एक तो उस समय 25 राज्य जो था और 7 केंद्र शासित था, मतलब 32 गरीबी रेखा बनाना पड़ेगा, गरीबी रेखा लाइन बनाना पड़ेगा हर हर राज्य के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसकी समस्या थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में जो पेश की थी उसमें कहा था कि भारत में लगभग 36% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। अब क्या हुआ 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में लकड़वाड़ा समिति को अपनाया, और जब योजना समाप्त हुई करीब करीब 2002-03 में, तो कहा गया लकड़वाड़ा समिति की फॉर्मूला अब गरीबी रेखा, ठीक है, अब गरीबी 36 नहीं 26% है, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना के लास्ट लास्ट में 2002-03 में ये कहा गया लकड़वाड़ा समिति ने कि अपने फॉर्मूले से इन्होंने 36% नहीं जबकि 26%, पहले तो 36% बताया था गरीबी, लेकिन उन्होंने बाद में आकलन करके ये बताया कि अब 26% भारत में गरीबी है। तो इसके बाद इसकी काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि वास्तव में जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी, 26% से ज़्यादा थी। और उसके बाद क्या है इस फॉर्मूले को जो है बदलने की बात की गई, मतलब अब हम कैलोरी अंतर्ग्रहण विधि से ना मापे तो बेहतर होगा ये सोचा गया, ठीक है। तो बाद में जो लाया गया दूसरा विधि वो था न्यूनतम उपभोग व्यय की विधि, ठीक है। तो एक व्यक्ति को एक दिन में कितने रुपए की ज़रूरत होती है इस आधार पे गरीबी रेखा निर्धारित की जाती थी दूसरे विधि न्यूनतम उपभोग व्यय विधि में, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं समिति इसमें जो आई इस विधि से वो थी सुरेश तेंदुलकर समिति। तो 2003 के बाद नए सिरे से गरीबी मापने का मापदंड लेकर आए जिसका जो नाम था वही न्यूनतम उपभोग विधि, ठीक है। तो न्यूनतम उपभोग की टोकरी लाई गई इसमें जिसको कहा गया कंजप्शन बास्केट, ठीक है। तो इसमें 6 बुनियादी आवश्यकताओं को रखा गया था, एक आदमी को एक दिन में क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ सिंपल याद रख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 2011-12 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब होंगे, इन्होंने ये कहा, ठीक है। अगर एकदम वास्तविक रुपए आप बात करो तो 27.20 और 33.33 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से आप यहाँ पे बात करोगे, तो इससे कम खर्च करने वाले व्यक्ति को सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीब कहा, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीबी 37.2% थी, जबकि उस समय लकड़वाला समिति ने क्या कहा था 26% कहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो वर्ष 2011-12 में घट कर 21.9% रह गई है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं सुरेश तेंदुलकर के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या थी राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा था यूपी में लगभग 5.5 करोड़, उसके बाद था बिहार में 4.5 करोड़ मतलब लगभग 4.5 करोड़, और उसके बाद MP में 3 करोड़। लेकिन अगर परसेंट की बात किया जाए, ठीक है, कि किस राज्य में गरीबी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था तो वो था छत्तीसगढ़ में लगभग 47.9%। अब यहाँ पे एक नोट करके एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, अर्जुन सेन गुप्ता की एक समिति आई थी, इन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए गरीबी मापने के लिए, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए गरीबी मापा और माप कर ये कहा कि भारत में 66% गरीबी है। इसी आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ने 2013 में देश में
दो तिहाई आबादी मतलब 66% आबादी को भारी सब्सिडी युक्त अनाज देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अगर याद रखनी तो याद रख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं एक और समिति आई, रंगराजन समिति। तो ये समिति का गठन इसलिए हुआ था, ये 2012 में योजना आयोग द्वारा ये बनाया गया था ये समिति। तो यह इस समिति का गठन इसलिए होता कि यह जांचने के लिए बनाया गया था कि न्यूनतम उपभोग व्यय जो सुरेश तेंदुलकर समिति ने बनाया था, ठीक है, जिस आधार पर बनाया था, वो सही है या नहीं। ठीक है, और सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें गरीबों तक सीधा कैसे पहुंचाया जाए, मतलब सिंपल सा बात कहें तो गरीबों को कैसे पहचाना जा सके। ठीक है, अब क्या होता था भारत में, कोई भी गरीब बनने को तैयार हो जाता है क्योंकि उनकी जो सुविधाएं मिलती हैं उनको लेने के लालच में अमीर से अमीर जो है अपना आय छुपाकर गरीब बन जाते हैं। तो वास्तविक जो सुविधा, जो सब्सिडी गरीबों को मिलना चाहिए था वो डायरेक्ट नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इसका जो है ये दो जो समस्या थी उनको जो है सुधारने के लिए समिति बनाई गई थी। और समिति ने क्या कहा रिपोर्ट में अपने, कि सुरेश तेंदुलकर की समिति का जो तरीका था, जो मेथड था न्यूनतम उपभोग व्यय, वो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके जो आंकड़े हैं उसमें वो सुधार किए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि गांव में 32 रुपये प्रतिदिन और शहर में 47 रुपये प्रतिदिन से नीचे कमाने वाले व्यक्ति गरीब है, ये रंगराजन समिति ने कहा। और आज भी इसी आधार पे गरीबी रेखा मापा जाता है। ठीक है, तो रंगराजन के अनुसार भारत की 29.5% जनसंख्या गरीब है, 2011-12 का ये आंकड़ा है। ठीक है, तो आज भारत में गरीबी का अनुमान सुरेश तेंदुलकर की पद्धति, यानी पद्धति अगर आप बात करोगे तो न्यूनतम उपभोग वैसे लगाया जाता है, लेकिन अगर बात करोगे गरीबी रेखा के आंकड़े तो रंगराजन समिति के हैं। ठीक है, रंगराजन समिति में क्या कहा गया था, गांव के लिए 32 रुपये और शहर के लिए 47 रुपये तय किया गया था। अब गरीबी रेखा सर्वेक्षण आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सर्वेक्षण वर्ष भारत का जो गरीबी का परसेंट यहाँ पे दिया गया है, और ग्रामीण और शहरी में। ठीक है, 2004-05 में, 2009-10 में और 2011-12 में। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और इसको याद करने की प्रैक्टिस करके याद करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, सापेक्ष गरीबी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आगे की क्लास में बात करेंगे, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार।